नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। देखा जाए तो इस वक्त कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अंदरूनी घमासान चल रहा है, जिसकी वजह से पार्टी का कठिन समय चल रहा है। लेकिन बात अगर कांग्रेस के इतिहास की जाए तो स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही कांग्रेस का इतिहास भी जुड़ा हुआ दिखेगा। तो चलिए इस मौके पर अतीत के पन्ने को एक बार फिर से पलटने की कोशिश करते हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. कांग्रेस का जन्म 1985 में हुआ था, जिसका श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। एलन अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित बंगाल सिविल सेवा में पास होकर साल 1949 में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी बने। 1957 की गदर के वक्त वो इटावा के गवर्नर थे। हालांकि एओ ह्यूम्स ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और 1882 में पद से छुट्टी पाने के बाद कांग्रेस यूनियन का गठन किया। आजादी से 62 साल पहले 28 दिसंबर 1985 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का जन्म हुआ था। एलन के अनुयायी में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष भारतीय को ही चुना गया। 1885 में 72 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में व्योमेश चंद्र बैनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। दरअसल साल 1957 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विरोध काफी बढ़ गया था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई जहां सभी भारतीय अपनी भड़ास निकाल सके, जिसके लिए अंग्रेजों ने एओ ह्यूम्स को चुना। लेकिन बाद में ह्यूम्स ही अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसी बीच महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। शुरू में बापू ही कांग्रेस के मुख्य विचारक रहे। इसको लेकर कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद बढ़ने लगा। बाद में चित्रंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर अलग स्वराज पार्टी बना ली। 1929 में ऐतिहासिक लाहौर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। वहीं पहले विश्व युद्ध के बाद पार्टी में महात्मा गांधी की जगह और मजबूत हो गई। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर इसके अध्यक्ष नहीं बने थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। महात्मा गांधी की हत्या और सरदार पटेल के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी ने अपने पहले संसदीय चुनाव में शानदार सफलता पाई और ये सिलसिला 1967 तक लगातार चलता रहा। जवाहरलाल नेहरू के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। आपको बता दें, साल 1885 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी में 88 अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। 38 साल नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों ने अध्यक्ष पद संभाला, बाकी 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार के अध्यक्ष चुने गए। नेहरू गांधी परिवार से सबसे पहले साल 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद संभाला। इसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अध्यक्ष बने। इसके बाद अब इस पद को लेकर पार्टी में अंदरूनी घमासान जारी है, जिसकी वजह से पार्टी को राजनीतिक तौर पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी कांग्रेस के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम बातें। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप रह सके देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट।